दर्शकों, हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आदि माया दुर्गा देवी अपने 9 रूपों में प्रकट हुई थी और इस दिन के 9 दिन बाद तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस साल ये दिन 9 अप्रैल पड़ रहा है, यानी 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि का अवसर है। हिंदू धर्म में यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस विचारधारा के इर्द गिर्द ही, लेकिन कुछ विपरीत, ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपनी निराली भक्ति विधि को लेकर हमेशा से ट्रेंड में रहते हैं और कहते हैं कि ये नवरात्रि की पूजा व्यर्थ है। अब इनकी बात को प्रथम दृष्टि से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहने वाले लोगों की संख्या भी करोड़ों में है और ये लोग और कोई नहीं, खुद हिंदू हैं, तो इनकी बात को नकारा भी नहीं जा सकता। तो ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या सचमुच जो बातें ये बताते हैं वो सही है, या फिर ये पक्ष जो आम सामाजिक धारणा के हिसाब से अपना जीवन यापन करता है, यानी नवरात्रि के व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इनका पक्ष सही है। तो दोनों पक्ष ऐसे न्यूज के कैमरे पर हैं। आज इस वीडियो से ये फैसला हो जाएगा कि इनमें से कौन सा पक्ष सही है। तो आप इस वीडियो का भरपूर फायदा उठाइए, अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आप एक कंक्लूजन तक पहुंचने में सक्षम होंगे कि कौन सा पक्ष क्या बात बता रहा है। इसके बाद ये भी फैसला आप कर पाएंगे कि सही क्या है। इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पता लग सके कि सच क्या है। तो पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। इन लोगों से ही मैं पहला सवाल लेता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज यही होते हैं, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बातें इनके बारे में कही जाती हैं। तो पहला सवाल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सर, मुझे ये बताइए आप कि नवरात्रि में व्रत रखने से, माता दुर्गा की पूजा करने से, जो कि एक मूर्ति पूजा है एक टाइप की, कोई फायदा है या नहीं? जी सर। देखिए, आदि काल से ही हिंदू धर्म में हमारी मान्यताएं हैं कि हम व्रत करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ होते हैं। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, आर्थिक लाभ मिलते हैं और अन्य सांसारिक लाभ हमें मिलते रहते हैं जब भी हम ये इस तरह की पूजाएं करते हैं। अच्छा, तो लाभ पाने के लिए आप ये नवरात्रि के व्रत रखते हैं, इस तरह की पूजाएं करते हैं। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहता हो? जी सर। सर, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसे देवी पुराण में कहते हैं ब्राह्मण, जैसे सत्ययुग के ब्राह्मण है जो देवी की पूजा करते हैं। जी सर। तो उसी आधार पे हम भी देवी जी की पूजा करते हैं, उनके नवरात्रों के व्रत रखते हैं। सत्ययुग के नहीं, कलयुग के भी करते हैं। तो सर, जैसा कि इन्होंने बताया पहले सवाल का जवाब, कि इन्हें लाभ होते हैं नवरात्रि में व्रत रखने से, दुर्गा देवी की पूजा करने से संसार के लोगों को लाभ होते हैं, तो आप इस चीज का क्यों विरोध करते हैं? आखिर आपको क्या परेशानी है सनातन धर्म से, सनातन धर्म के देवी देवताओं से और इनकी पूजा पद्धति से? हाँ जी सर। देखिए, इनकी जो साधना है, पहले हम भी ऐसा ही करते थे, लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उन्होंने हमें बताया, उन्होंने सत ज्ञान दिया, सत भक्ति दी, कि जो साधनाएं हम कर रहे थे, व्रत करना, मूर्ति पूजा करना, वो सारे शास्त्रों के विरुद्ध थे, जबकि वेदों में ऐसा लिखा ही नहीं है किसी भी व्रत के बारे में, और नवरात्र के बारे में वेदों में कोई प्रमाण नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा जी कि ये जो साधनाएं कर रहे हैं, कृपया अपने वेदों को खोलें, उनको चेक करें, वो देखें उनके अंदर के अगर कहीं प्रमाण है नवरात्रों का, तो हम भी इनका समर्थन करेंगे जी, जबकि ऐसा नहीं है, वेदों में कोई प्रमाण नहीं है व्रत का और नवरात्रों का। आप ये तो मानते हो सर कि बहुत सालों से नवरात्रों की प्रथा चली आ रही है? बिल्कुल मानते हो जी। तो सर, क्या आज तक किसी ने वेद नहीं खोल के देखे? ये तो बात अजम होने लायक नहीं है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वास्तव में जो है ना जी, किसी ने भी वेदों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और उनको वेदों का पूर्ण ज्ञान केवल तत्वदर्शी संत को ही होता है, और तत्वदर्शी संत एक समय में एक ही होता है। घुमा फिरा के अपने गुरुदेव पे ले आते हैं आप? ऐसा है, आपके सामने है ग्रंथ, मेरे गुरुदेव जो बताते हैं आपको कृष्ण संख्या और पुराण का नाम, ग्रंथ का नाम बताते हैं मेरे गुरुदेव, आप वो अपना वो ग्रंथ खोल कर देखें, चेक करें, फिर आप कहें कि मेरे गुरुदेव पे मैंने बात लेके आया हूँ घुमा के। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे गुरुदेव ने जो भी बात कही है वो प्रमाण सहित कही है, बिल्कुल सत्य है। आप अपने वेदों को खोलें, अपने ग्रंथों को खोलें, चाहे वो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या सिख है या ईसाई धर्म है, अपने आप धर्म ग्रंथों को खोलें और अपना चेक करें। तो आपके गुरुदेव सिर्फ हिंदू जो त्यौहार है उनको क्यों टारगेट करते हैं? किसी और धर्म के त्यौहारों पर कभी हमने बोलते हुए नहीं देखा उनको। जी, मुसलमानों को भी करते हैं, जैसे कि बकरा ईद है,
उस पे बकरे को लाल करते हैं। परमात्मा कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में एक पुकार बुक्का, इन में कौन सा सुरग में जागा मारा लागया धोखा। तो ऐसा कुरान के अंदर भी नहीं लिखा है कि हम बकरे की कुर्बानी दें। ये कहा कि कुरान में भी ये कहा कि वो कुर्बानी देनी है, मगर ये देनी है कि हम जो उल्टे साधना कर रहे हैं इनको त्यागना है, ना कि किसी बकरे की हलाली करनी। बकरे की हलाली से मुझे बलि प्रथा याद आती है, हिंदू धर्म में जो बहुत प्रचलित है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उसको सही मानते हो, गलत मानते हो, आपके क्या विचार हैं? जी सर। देखिए सर, बलि प्रथा का कहीं पे भी हमारे सदग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है। बलि प्रथा ये कहें अगर पहले आध्यात्मिकता की तरफ एक अन्य बात है, अगर हम देखें सामाजिक लेवल पे भी, जैसे भी हमारे भी बच्चे हैं, अगर बलि कहीं पे प्रमाणित है तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों की बलि देनी चाहिए, अपने परिवारजनों की बलि देनी चाहिए। हम नहीं मानते कि भी बलि कोई अच्छा काम है, बलि एक पाप का साधन है जिससे बहुत सारे पाप हम पे लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक दो सवाल मैंने लिए। पहला ये कि जैसा आरोप लगाया जाता है कि संत रामपाल जी और उनके शिष्य हिंदू धर्म के जो त्यौहार है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और दूसरा फिर मैंने बलि प्रथा वाला सवाल लिया, इसके क्रॉस क्वेश्चन में लेता हूँ। जी मैम, आप बलि प्रथा को सही मानते हो या गलत मानते हो? सर देखिए भाई साहब, सबसे पहला तो मैं राम राम कहूँगा सारा ना। जी बलि प्रथा तो है, मतलब ये तो गलत चीज़ है, लेकिन यहाँ बात हो रही थी जो है नवरात्रों की पूजा की साधना की बात हो रही थी। हमारे जो भगवान है श्री राम जी हैं, ठीक है जी, और भी विष्णु जी हैं, ये ध्यान मगन रहते हैं, और हमारे श्री राम जी हैं उन्होंने भी व्रत किए हैं, हमारे पूर्वज हैं वो सदा से ही व्रत करते आने लग रहे हैं, ठीक है, हमने बहुत लाभ होने लग रहे हैं बचपन से। अब मैं ये लगा लो 30 साल हो गए, 30 साल से मेरे माता पिता मेरे को मंदिर में लेके जा रहे हैं, देवी जी के द्वार पे लेके जा रहे हैं, हमें तो बहुत फायदे होने लग रहे हैं। एक बार मैंने गूगल पे पढ़ा है कि श्री राम जी ने पहला नवरात्र का व्रत रखा। बिल्कुल करा था जी, बिल्कुल करा था, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने जो है नवरात्रों का पहला व्रत करा था। और ये कोई गलत साबित करते बताओ, पूछ लो इनका। हाँ जी सर, हमारे गुरु पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कोई भी देवता देवी देवता है उनके व्रत करने से पूजा करने से वो भी लाभ दे सकते हैं, लेकिन उनका जो लाभ देने का स्तर है उनकी कोई सीमा है, वो एक एक सीमित दायरे के अंदर ही हमें जो कोई सुख दे सकते हैं, वो उनकी भक्ति से हमें क्षणिक एक मात्र कुछ समय के लिए हमें लाभ मिल सकता है, वो हमारे को मोक्ष नहीं दे सकते। हमारे भाग्य में जो कर्म पाप कर्म है पहले संचित कर्म है उनको भी वो नहीं जो है खत्म कर सकते हैं। एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से हमें ये सांसारिक लाभ भी, आध्यात्मिक लाभ भी, और आत्मिक सुख और मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो क्या दुर्गा देवी पूर्ण परमात्मा नहीं है? नहीं है जी, देवी पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो जो देवी श्री देवी जी खुद कह रही है देवी पुराण के अंदर, राजा हिमालय जी को उपदेश दे रही है कि मेरी एक मेरी भक्ति को भी छोड़कर सब कुछ त्याग करके आप उस एक परमात्मा की जो भक्ति कीजिए, उसने ओम मंत्र बताया और वो ब्रह्म बताया है, अपने से अलग उसने बताइए साधना जो है करने के लिए जी, तो इसलिए वो देवी पूर्ण परमात्मा नहीं है जी, उसकी भक्ति से कुछ हमें मोक्ष नहीं हो सकता, और क्षणिक सुख वो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सुख नहीं दे सकते, वो उतना दे सकते हैं जितना हमारे कर्म में हमारे भाग में लिखा है, जो है पहले से निश्चित है, वो निश्चित को हम जैसा करेंगे वैसा वो हमको दे सकते हैं, वो हमारे भाग में बदल नहीं सकते, ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं जी सर। तो आपकी बात तो, हाँ जी सर, आप हमारी भावनाओं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप हमें हर्ट कर रहे हैं कि देवी माँ भगवान नहीं है, हमारे लिए तो वही भगवान है। हाँ, जैसे आपने कहा कि पूर्ण परमात्मा नहीं है, इन्होंने कहा कि, हाँ जी आप ये कह रहे हो कहीं शास्त्रों में प्रमाण नहीं है देवी माता का, शास्त्रों की बात तो छोड़िए, ये माता किस लिए कहलाती है? ये सारी सृष्टि की रचयिता है देवी, इसी से सारा संसार पैदा हुआ है, यही पूजनीय है, इसलिए हम इसको पूज रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने पूजा, दादे परदादे गए, बाप गए, सब गए, इसी को पूजते आ रहे हैं और सब ठीक सुखी रह रहे हैं, तो हम भी इन्हीं को पूज रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हो? क्या हमारे पंडितों ने आज तक कितने साल से, कब से ये सृष्टि रची है, तब से क्या वो शास्त्र किसी ने पढ़े नहीं है क्या? बहुत बढ़िया सवाल। हाँ जी जी, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा देवी दुर्गा की पूजा के बारे में कि हम इन्हीं को इष्ट मानेंगे, तो दुर्गा जी तो देवी पुराण में खुद मना करती है कि तुम मेरी साधना मत करो, अध्याय 5 स्कंद 7 562 पृष्ठ पर देवी जी खुद कहती है कि तुम, हिमालय राजा को उपदेश देते हुए कहती है कि तुम उस ब्रह्म की भक्ति करो, और उसका ओम नाम है,
उसी को पा जाओगे, मेरी भी भक्ति मत करो, ये देवी जी देवी पुराण में कहती है। तो जब वो देवी ही खुद मना कर रही है अपनी भक्ति करने को, तो ये क्यों कर रही है उनकी भक्ति, जब देवी कह रही है तुम ब्रह्म की भक्ति करो। हाँ जी, फिर तो मनमान आचरण कर रहे हैं सब। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा, तो मतलब ये तो कह रहे हैं कि हमें ग्रंथ वगैरह का ज्यादा पता नहीं है, हमारे जो पूर्वज करते थे परंपरागत तरीके से हम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मनमाना आचरण है। मनमाना कैसे हुआ, ये तो देखा देखी कर रहे हैं ना, ऊपर जैसे कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते बोले देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों आगे सर पर काल ठोका बंजारा। अभी देखा देखी करे पूर्वजे ने की, पूर्वजे आज पितर बने घूमते हैं, जरूरी नहीं है कि सर सारे पूर्वज। हाँ जी, ये आस्था का सवाल है। अच्छा जी, और हम किसकी भक्ति करते हैं, हम देवी माँ की भक्ति करते हैं, हमें उनसे लाभ होते हैं, तो हमारे लिए तो वही भगवान है, आप उसको नकार नहीं सकते कि वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ही तो हमारे को फायदा करता है। शास्त्रों से भी नहीं नकार सकते? नहीं, शास्त्रों से हम नकारने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो आस्था की बात कर रहा हूँ, और हमारी आस्था देवी माँ में है, और देवी माँ हमें, हम उसकी पूजा करते हैं और देवी माँ हमें लाभ देती है, इतनी सी बात है। हाँ जी, तो इस आस्था को क्या नाम दें? आस्था खाली देखो जी सर, सिर्फ आस्था से काम नहीं चलता है, आध्यात्मिक मार्ग में कोई उसका पैमाना होना चाहिए, उसका पैमाना होता है हमारे सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, ये जो है भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। अगर हम खाली सिर्फ आस्था से चलेंगे तो उससे काम नहीं चलता। अब यहाँ मान लो हम करते करते हुए सारी भक्तियां कर रहे हैं फिर भी दुखी हो रहे हैं, तो ये एक कल को जाके 84 लाख योनि में नरक भोगना पड़ता है हमें, तो उस भक्ति से क्या फायदा है जब अभी भी दुखी और हमारा आगे भी जो जीवन दुखी रहेंगे। तो इसके लिए प्रमाण है, और प्रमाण के सारे ही सारा चीज चलेगी, कोई भी चीज खाली लिखित लिखित में प्रमाण के साथ होगी तब चलती है, खाली व्रत। अच्छा सर, नवरात्रि के व्रत तो सारे अड़ोसी पड़ोसी भी रखते हैं, समाज के लोग रखते हैं, रिश्तेदारी में रखते हैं, तो ऐसे समाज से तो एकदम आप कट कैसे कर सकते हैं लोगों को? ये मनमाना आचरण है, गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो मनुष्य मनमानी पूजा करते हैं, अपनी इच्छा से जो पूजा पाठ करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी कोई गति होती है, ना उनका मोक्ष होता है। और ये जो संसार है इसमें इसमें कहीं भी वेदों में गीता में व्रत करने का या दुर्गा जी की भक्ति करने का या कोई पूजा करने का तीर्थ करने का व्रत करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं लिखा है सर जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, देखिए सर मैं बताना चाहूंगा, ये जो बार बार भाई बोल रहे हैं कि व्रत करना कहाँ गलत हो गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, पवित्र गीता जी में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मोक्ष न तो अधिक खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न सोने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का होता है। तो गीता जी तो यहाँ पे व्रत करने को साफ मना कर रही है। रही खाने की बात, तो खाना जितने शरीर को जरूरत होती है उसके हिसाब से लेना चाहिए, तो मैं नहीं मानता कि भी व्रत हमने करने चाहिए। दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं जो हमारे सनातनी हिंदू धर्म के, तो वो भी इसको कहीं भी प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। आपकी बात में ज्यादा वजन है सर। हाँ सर, देखिए भाई साहब, बात हो रही है व्रत की, धर्म ग्रंथों की बात हो रही है। आज की डेट में हमारे भारत के अंदर, भारत को छोड़ो, नेपाल चले जाओ और विदेशों में चले जाओ, बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जी जो बिल्कुल ज्ञान देते, भगवान का ज्ञान देते हैं जी। इतने सारे मंदिर मस्जिद हैं जी, वैसे थोड़े ना है गवर्नमेंट, ऐसे थोड़े ना उनपे पैसा लगा दिया जी। हमारी धर्म की आस्था है हमारे उन भगवानों के अंदर, हमें लाभ हो रहे हैं तभी तो लोग हम पूजा कर रहे हैं, पागल थोड़े ना जितनी करोड़ जनता है जो भगवानों के दर्शन करने के लिए जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे धर्म गुरु हैं जो ज्ञान देते हैं भगवानों का, बताते हैं इस भगवान की पूजा करनी चाहिए, देवी की साधना करनी चाहिए, बताते हैं जी, बिल्कुल बताते हैं जी। सर यही तो विडंबना है सर, बार बार ये सुनने को मिलता है कि हमारे जो पवित्र सनातनी हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए, मैं उनको गुरु नहीं कहूंगा, नकली गुरु कहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें आज तक के जो हमारे पवित्र सदग्रंथ है वो खोल के ही नहीं दिखाए। अगर हमारे सदग्रंथ खोल के वो दिखाते तो आज हमें पता चल जाता है ये बेकार की जो परंपराएं हम डो रहे हैं ये आज नहीं डोते। तो मैं सरासरी ये जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं इन पे ब्लेम करूंगा, और यहाँ पे बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि जो पवित्र सदग्रंथ है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के दिखाए हैं। और रही व्रत करने की बात, तो इसके बारे में भी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र सदग्रंथ खोल के एक नहीं अनेकों प्रमाण दिए हैं जिसमें व्रत करने को मना कर गया। नवरात्रि की बात चल रही है सर, आपने शास्त्रों का हवाला दिया, आपने देखा होगा जैसे जागरण होते हैं, जो माता के जागरण होते हैं मोहल्लों में पार्कों में, वहां पर भी पुराण का पाठ किया जाता है, तीन तीन चार चार दिन तक कथा चलती है। देखिए सर, पाठ का किया जाता है बिल्कुल,
लेकिन वो पढ़ने से और समझने में फर्क होता है। वहां पे केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है। अच्छा, और उसका मीनिंग हमें बताया जाता है कि ये करने से ये फल मिलेगा, ये करने से ये फायदा होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली बार पवित्र हिंदू धर्म के सभी सदग्रंथ खोल के हमें बताया है कि भी अगर हमें सत भक्ति करनी है, हमें पूर्ण मोक्ष चाहिए, परमात्मा से मिलने वाले लाभ चाहिए, तो हमें हमारे सदग्रंथों के अनुसार सत भक्ति करनी पड़ेगी, जो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने दी। ठीक है, हाँ जी सर। सर अभी आप बता रहे थे कि जैसे आप बता रहे हो कि जागरण वगैरह करते हैं, जागरण में बैठते हैं, जागरण में आप भजन गाते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि आप सीधा हमें ये बताइए कि जागरण में असल में आप करते क्या है? पाठ करते हैं जी पुराण का। नहीं, आप जागरण में पाठ नहीं करते हैं, आप जागरण में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के सिर्फ क्या करते हैं, फिल्मी गीतों की तरह पे गाने गाते हैं, और जबकि ये साधना का तरीका नहीं है, भक्ति का तरीका ये नहीं है। जो भी महापुरुष पार हुए हैं, जो भक्त पार हुए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। भक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए तो वो सुमिरन करना होता है, सच्चे संत की शरण में जाके गुरु गुरु बनाकर उनके द्वारा जो बताई गई भक्ति विधि है उनका सुमिरन करना, तो उस मंत्र जाप का ये विधि है भक्ति की, ना कि आप किसी स्थान पर जाकर लाउड स्पीकर लगा के आप गाने बजाएंगे या भजन गाएंगे, ये भक्ति विधि नहीं है, ये मनमाना आचरण है, मनोरंजन का साधन है ये। हाँ जी मैम। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, जिसने ये कहा है देवी पुराण के पांचवें सेकंड में ये लिखा है कि माता दुर्गा कह रही है मेरी पूजा ना करो, क्या वो लिखने वाला कुछ नहीं बता के गया इसके बारे में, और कौन ब्रह्म है किसकी पूजा करने बता दे। दूसरा मैं इस भाई को कहना चाहूंगी, ये हमारे गुरुओं को, धर्म गुरुओं को नकली कह के हमारे भी इंसल्ट करता है और हमारे गुरुजियों के भी इंसल्ट करता है। तीसरी ये कहूंगी, वो तो फिल्मी गाने गाओ है, हम खुद जागरण करवाते हैं, कहाँ फिल्मी गाने गाए जाते हैं, ये अपने आप देखो कितनी आर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप लोगों ने क्रिटिसाइज करने का, देवी देवताओं को पूजने का ठेका ले रखा है। कठोर सवाल है सर। हाँ जी, अभी मैं बता रहा हूँ, माता जी ने एक प्रश्न किया कि हम जागरण में हम फिल्मी गाने नहीं गाते हैं, जागरण करते हैं। मैं माता जी सीधा पूछना चाह रहा हूँ, माता जी आप जागरण में करते क्या हैं असल में आप? जी मैम बताइए। हम देवी माता के भजन कीर्तन करते हैं, जिससे देवी माता खुश होती है। नहीं सर, ये साधना का तरीका नहीं है। जो भी भक्त पार हुए हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मंत्र साधना की है, मंत्रों से सिद्धि होती है। ठीक है जी, आप किसी भी देवी देवता की भक्ति करनी है, आप उसका जो पर्टिकुलर जो मंत्र है वो उसके उसको साधें, आप उसका जाप करें, उसका सुमिरन करें, श्वास के साथ सुमिरन करें आप। ये गाने बजाने से परमात्मा नहीं मिलता, ऐसे नहीं भरक, ये भी अच्छा है। हाँ जी, देखिए सर, रही धर्मगुरुओं के अपमान करने वाली बात, हमने किसी भी धर्मगुरु का कोई अपमान नहीं किया है, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये हमने अथेंटिकेट करके देख लिया है। जो हमारे पहले धर्मगुरु थे संत रामपाल जी महाराज जी से पहले, जिन्होंने जिनका काम होता है, एक टीचर का एक वास्तविक काम क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में जो सब्जेक्ट में जो भी विषय है उसकी सही जानकारी देना, जबकि हमारे पवित्र जो सदग्रंथ है उनकी जानकारी हमारे नकली गुरुओं ने हमें दी ही नहीं, वो हमें केवल संस्कृत में सुनाते रहे, हमें उनका मीनिंग ही नहीं पता, तो फिर हम कैसे कह पाएंगे कि भी ये सही बता रहे हैं। दूसरा ये भी है, अगर वो सही बताते तो जैसे आप जिस सुनते हैं कि देवी पुराण में देवी दुर्गा खुद कह रही है कि भी ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्म का मंत्र ओम है, और ब्रह्म के पास हम जब जाते हैं पवित्र गीता जी में तो ब्रह्म बताता है कि भी अगर आप ओम का सिमरन करेंगे तो आप ब्रह्म लोक में जाओगे, और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी वापिस लौट के इस मरण मृत लोक में आते हैं और जन्म मरण में रहते हैं। और उन्होंने खुद ब्रह्म ने यह कहा है कि भी अगर आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, तो आपको एक ऐसे संत की खोज करनी पड़ेगी, वो संत आपको उस पूर्ण ब्रह्म की भक्ति विधि बताएगा, जहां जाने के बाद में साधक लौट के इस संसार में नहीं आता है। काफी बड़ा कठोर क्वेश्चन था, और इनके जवाब को भी मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। इधर से एक बार जवाब आ रहा है, जी सर बताइए। जैसे जी माता जी ने कहा कि भाई जब हम भजन कीर्तन करते हैं उससे माता जी खुश होती है, माता जी भजन कीर्तन करने से खुश नहीं होगी, उनका यथार्थ मंत्र है। अगर हम उसकी उस मंत्र को सतगुरु जो सच्चा गुरु होता है उस मंत्र को देने वाला अधिकारी, उस अधिकारी संत से हम अगर वो मंत्र लेके भक्ति साधना करेंगे तो वो माता खुश होगी। आज के समय वो सच्चा संत जो हर देवी देवता का यथार्थ मंत्र दे रहा है वो संत रामपाल जी महाराज। ठीक है, हाँ जी भाई साहब, ऐसा है जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये तो अभी आए हैं, ठीक है, ये जो हमारी भक्ति साधना है ना ये तो पूर्वजों से चलती आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज,
इनका तो काम ही दूसरे धर्मगुरुओं की बुराई करना है, ठीक है, हमारे जो देवी देवताओं की मूर्तियों को ये खंडित करवा देते हैं। पूछो अगर ये बात सच नहीं। कई बार ये सवाल उठ चुका है, इसको बाद में लेंगे। जी सर बताइए। देखिए सर, कहीं पे भी संत रामपाल जी महाराज हमारे हिंदू देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुपवाते। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। यानी कि इनकी हमने भक्ति करनी है, लेकिन कैसे करनी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें विधि बताई है। तो उससे ये जो देवी देवता है वो भी खुश होते हैं, और फिर हमें इस संसार के जो सांसारिक सुख है वो हमें देते हैं। तो आप कह नहीं सकते कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं की अपमान कर रहे हैं या उनकी भक्ति छुटवाते हैं। ठीक है सर, एक बात बताइए कि जैसे नवरात्रि की बात चल रही है, आपने जब संत रामपाल जी से दीक्षा ली, नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप माता की भक्ति करते होंगे, मंदिरों में जाते होंगे या जागरण में जाते होंगे, जाते थे कि नहीं जाते थे? जी बिल्कुल, समाज में थे तो समाज के आधार पे जाते थे, बिल्कुल जाते थे। अब आप जाते हैं? अब जाता हूँ मैं, लेकिन वो नेकी पे वहाँ पे मैं नवरात्रे करने के लिए जाता हूँ। मतलब आपने छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़। तो मतलब दैट मीन्स कि आपने संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद छोड़ दिया? नहीं नहीं, छोड़ा नहीं है जी। ये यही तो आपकी यही तो विडंबना है कि जो जगत वाले लोग हैं, भाई ऐसे भाई बहन जो हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनको लगता है कि छोड़ दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने दुर्गा को खुश करने के लिए जो उनका सही मंत्र है वो हमें समझाया, वो हमें दिया है। अब जाके मुझे पता लगा कि पहले जब मैं नवरात्रे करता था या फिर वैष्णो देवी या कहीं अन्य धाम पे जाता था, उनका तो कोई मुझे फल ही नहीं मिल रहा था, उनका मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो अब आप क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल, अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे भक्ति भी दी है, उससे जब मैं दुर्गा जी का जो मंत्र है वो करता हूँ तो मुझे बहुत सुख मिलता है, और देवी भी इससे बहुत खुश होती है। जी, तो यहाँ से मैं सवाल लेना चाहूंगा। जी सर, सर इन्होंने ये बोला कि मैं पहले भक्ति करता था देवी देवताओं की, उनका हमें लाभ नहीं हुआ, लेकिन हमें तो सुनने में आता है कि जैसे अभी नवरात्रे हैं और उसमें व्रत करते हैं, वो पहले जैसे मनोकामना लेके व्रत करते हैं उसका, और वो मनोकामना पूरी भी होती है उनकी, और पूरी भी होती है, मैंने देखी भी है जी, और ये कहते हैं कि पूरी नहीं होती, और पहले खुद भी करते थे और कहते थे कि पूरी नहीं होती, और उनकी कैसे पूरी हो रही है जो हो रही है और जो कह रहे हैं कि हमारी हो रही है पूरी? हाँ जी सर, आपका स्वागत है। तो नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल कुमार है जी, मैं हिसार से आया हूँ। मेरा सवाल ये है जी, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से ये मुझे तो ये लग रहा है जी, ये सनातन जो धर्म है उसके खिलाफ कोई प्रोपगेंडा चला रही, क्योंकि इनके नए नए तर्क जो हिंदू धर्म पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ये पूजा साधना ना मत करो, ये मत करो, पूजा जो भी है व्रत वगैरह मत करो, जैसे नवरात्रे के बारे में बोल रहे हैं। अभी इन्हें ये नहीं पता होगा पुराने ग्रंथों के अनुसार, जैसे ये एक माता आती है, उसका प्रकरण आता पुराने ग्रंथों के अनुसार, ये माता सोमती, उसके जो पतिदेव थे उनका कुष्ठ रोग माता जी ने 7 दिन का व्रत करने के अनुसार है ना प्रसन्न होके ठीक कर दिया था। तो ये जो कह रहे हैं ना कि मतलब माता जी की भक्ति से कुछ नहीं लाभ होता, तो उनको जो आज भी वर्तमान में भी कर रहे हैं उनको भी लाभ है, और उनको भी हुआ, उनको देख के कर रहे हो। अब आप ये बताओ। ठीक है, दो सवाल हो गए, दोनों के एक एक करके जवाब लेते हैं। जी सर, सबसे पहले इन्होंने कहा कि पुरानी कथा है, पुरानी कथा है, ये ऐसे ऐसे हजारों लोगों के लाभ, ऐसे ऐसे जिन्होंने इन्होंने बताया भी कुष्ठ रोग उनका ठीक हो गया, सोमती देवी का नाम लिया इन्होंने, ऐसी ऐसी हजारों सोमती देवी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको प्रत्यक्ष मिलवा सकते हैं, जिनको ऐसे ऐसे कैंसर तक के रोग जिनके ठीक हो चुके हैं, तो वो जो देवी है वो लाभ तो देती है, लेकिन उसका लाभ बिल्कुल क्षणिक है, वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन किसी चीज का या फिर मोक्ष नहीं दे सकती। ठीक है, एक सवाल का जवाब। जी सर, इन भाइयों ने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का जो है क्रिटिसाइज करते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज असली सनातन धर्म के हितैषी हैं, असली सनातन धर्म का जो है प्रचार प्रसार संत रामपाल जी महाराज करते हैं। सनातन धर्म वेदों से शुरू होते हैं, वेद जो यथार्थ ज्ञान है, और संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र अनुकूल साधना दे करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसको करने से हमें यहाँ भी कोई हमारा रोग है। अब वेद में जो परमात्मा का जो गुण है, परमात्मा की जो महिमा है कि परमात्मा अपने साधक के सभी रोगों को भी दूर कर सकता है, और अगर वो रोगी मृत्यु को भी चला गया है तो उसको भी ला करके वो वापस उसको जीवन दान दे सकता है परमात्मा, और मोक्ष भी देगा परमात्मा। ठीक है सर, ठीक है। और जबकि ये नकली धर्म गुरु है ना, जबकि ये नकली धर्म गुरु ये कहते हैं कि कर्म का फल तो भोगना ही होगा, और हमारे चारों वेदों में लिखा है ये चीज,
जो पूर्ण परमात्मा है वो साधक के असाध्य से असाध्य रोग को समाप्त कर देता है और उसकी आयु बढ़ा देता है। ठीक है सर, विषय पर आ जाते हैं। आपके जवाब पर एक सवाल उठा था, आपने कहा कि मैं पहले माता की भक्ति करता था, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, अब मैं उन्हें मंत्र जाप करता हूँ, मुझे काफी फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे पहले माता की भक्ति करने से पहले, नवरात्र से पहले एक मनोकामना सेट कर ली जाती है कि जी ये मेरी इच्छा है और ये मेरा हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, ठीक है, तो उनको लाभ हो जाते हैं, तो इसको आप कैसे नकारोगे? देखिए सर, बिल्कुल ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि माता की भक्ति करने से ही या माता के नवरात्रे करने से ही वो सुख इनको मिले हैं। वो उनके पूर्व के जन्मों में किए हुए पुण्य कर्म के हैं जिनकी वजह से वो उनको अब लाभ मिल रहा है। हाँ सर, ये तो आपके पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे कर्म भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको फायदा हुआ, ना कि माता की वजह से। फिर ये तो क्रॉस क्वेश्चन उनके ऊपर भी आ सकता है जी कि आपके पुण्य कर्म पीछे वाले हुए इसलिए आपको अब लाभ हो रहा होगा। हाँ जी सर। देखिए सर, ऐसे बहुत सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको मिल जाएंगे, जो हमारे हिंदू धर्म के नकली धर्म गुरु कहूंगा मैं, जिनके पास जाके वो थक चुके थे, डॉक्टरों के चक्कर काट के थक चुके थे, डॉक्टरों ने जिनका एंडिंग टाइम तक दे दिया था, वो यहाँ पे आने के बाद सत भक्ति प्राप्त करके उनको लाभ मिला, उनको जीवन दान मिला, कैंसर तक बीमारियां थी जो ठीक हुई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भी यहाँ पे अगर उनको लाभ मिलना होता तो पहले ही मिल जाता। ठीक है, काफी तरक सही उत्तर है जी। मैम बताइए। मैं ये पूछना चाहूंगा, एक तो ये नकली करके ना नकली धर्म गुरु कितनी आठ पहुंचा रहे हैं। धर्मगुरु बहुत है, संत रामपाल जी तो कहलाए हैं, उनसे पहले कितने 150-200 साल पहले राधा स्वामी, व्यास डेरा, सरसा, आशाराम बापू, यानी कितने धर्मगुरु, उनने तो कदे नहीं कहा इस तरह की बात है, और ये इसी बात कहा है, ये क्या इसका क्या जवाब है सर? सर जी, गुरुओं की पहचान उसके ज्ञान से होगी, और ज्ञान जो है जो गीता जी और वेद आधार होंगे तभी जो सतगुरु की अच्छे गुरु की सच्चे गुरु की पहचान होती है। तत्व किसी को नकली कहना कहाँ तक सही है सर? आप अपना ज्ञान बताइए, वो अपना ज्ञान बता रहे हैं। सर जी ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक असली नोट है नकली नोट है, उसका जो कुछ प्रचार प्रसार उसको बताना पड़ेगा, तभी तो उसकी गुणों के आधार से ही तो पहचान कर सकते हैं किसी की। तो तत्वदर्शी संत की जो पहचान है वो गीता जी ने बता रखी 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कि संसार रूपी जो वृक्ष है और उसका जो उल्टा जो वृक्ष है उसकी जो जड़ से लेकर जो तना डार सारे वृक्ष की जो है पहचान उनके भागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। और तत्वदर्शी संत ही के जो हमारे को तत्व ज्ञान दे सकता है, तो इसलिए आप उनको नकली कहते हैं कि उन्होंने खोल करके नहीं दिखाया। सर जी, हाँ जी सर जी, उनका कोई प्रमाण नहीं है, उनका ज्ञान का कोई आधार नहीं है, जबकि सनातन धर्म कहलाते हैं, सनातन धर्म का आधार तो वेद और गीता होने चाहिए ना। जबकि जो भी धर्म गुरु है, जितने भी धर्म गुरु हैं, वो जो है तत्व ज्ञान उनके पास नहीं है, वो अपना मनमाना जो बता रहे हैं हमको जो। ओके ओके, हाँ जी मैम। अब मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने कहा कि आप कुतर्क कर रहे हो, मैं आपको तर्क देता हूँ। आप अपना जो शिव पुराण है उसको खोलिए, उसमें संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता को खोलिए, 6ठा अध्याय जो पुराना संस्करण है उसका पेज नंबर 101, जो नया संस्करण है उसका पेज नंबर 121, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बताते हुए कहते हैं कि उन काल रूपी ब्रह्म ने शक्ति यानी दुर्गा के साथ एक शिवलोक नामक लोक की स्थापना की, उसे काशी भी कहा जाता है। वहां पर वो दोनों विचरने लगे और निर्वाण धारण करने लगे। उनके बाद उनके मन में एक पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने एक पुत्र की उत्पत्ति की जिसका व्यापक होने के कारण विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसी तरह उन्होंने बाद में ब्रह्मा जी और शिव जी की उत्पत्ति की। इससे क्या सिद्ध होता है कि दुर्गा जी का पति काल ब्रह्म है, तो पति सिद्ध हो गया। इसके अलावा गीता जी अध्याय 14:3-5 में भी ये सिद्ध होता है कि ये प्रकृति जो है ना, ये इन सब की माता है और मैं इनके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ, तो उसका पति सिद्ध हो गया। ठीक है, तो काफी प्रमाणों की तो काफी लंबी फहरिस्त है इनके पास जी। आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि इनके पति हैं, तो इनके तो माता पिता भी होने चाहिए देवी माँ के, तो क्या इनके कोई माता पिता भी हैं? जी सर, देखिए जैसा कि आपने कहा कि माता पिता जहाँ तक की बात है, ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता सिद्ध हो गए देवी और काल ब्रह्म। अब इनके माता पिता कौन है? वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, जिनको परम अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है, और इनके अलावा इनको सतपुरुष भी कहा जाता है।
इनके द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई। अब इस चीज का प्रमाण कहाँ पर है? कबीर साहिब जी अपने कबीर सागर में इसके बारे में पूरा एक वर्णन देते हैं कि अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंश मंजन, पहले की निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। यानी पहले निरंजन राई, मतलब पहले इस निरंजन को मैंने अपने शब्द से उत्पन्न किया, पीछे फिर माया उपजाई, फिर इसके बाद दुर्गा की उत्पत्ति की। इन चंद लाइनों में ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता दुर्गा और काल है, और दुर्गा और काल को उत्पन्न करने वाले कबीर साहेब हैं। ठीक है, तो इस बातों के प्रमाण भी निकल कर आए जब बातें यहाँ से उठी, तो ये भी इनकी बात को नकारा नहीं जा सकता, और ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि ये कोई कुतर्क है। जी मैम जी, पहले तो ज्यादा अटपटीर मतलब है क्रोध उठा था, अब थोड़ा सा कुछ तो लग रहा है, इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं और प्रमाण दे रहे हैं, उस अक्षर ज्ञान से हम भी मतलब है युक्त हैं, सोचेंगे देखेंगे इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं हम भी पढ़ेंगे, और लग रहा है कुछ सच्चाई होगी, नहीं तो इतना सामना कर नहीं सकता इंसान, कुछ तो सच्चाई है प्रमाण दे रहे। इनके गुरु जी भी जैसे फोन पर भी देखा है, वो भी सारे गुरुओं की लगा कर फोटो सबकी कहते हैं ऑनलाइन रखूंगा, इन्हें ऑनलाइन रखूंगा जब तक ये आने भर लेते, तो कुछ तो दम है इन लोगों में, तो देखते हैं इनके भी हम पढ़ेंगे भाई, कुछ जानेंगे हम भी, समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, देखोगे आप? हाँ सर, देखते हैं। जी सर, जैसे भी बताया इन्होंने, जितने भी इन्होंने तर्क दिए हैं, तो वो तर्क कहाँ मिलेंगे हमें, मतलब हम कैसे जाने, कैसे पढ़े उन चीजों को? ठीक है, इस बात का भी जवाब लेते हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। जी, अगर हमें ये प्रमाण देंगे तो हम मानने को तैयार है। ठीक है, वैसे ये अचानक से ऐसे कोई संस्कृत बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ये प्रमाण देंगे तो ही हम मानेंगे। मानना तो देखो पड़ेगा सर, एक दूसरे को हमें मानना तो पड़ेगा, कोई सच बोलेगा प्रमाण दिखाएगा तो फिर भी हम वो देख करके नहीं मानेंगे तो हम अपने नुकसान करेंगे, किसी और का इसमें कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, कोई सवाल आपका? हाँ सवाल है, एक तो जैसे इस भाई ने बताया था ब्रह्म का ओम नाम है, और ओम नाम का जाप करके भी बोले पुनरावृत्ति में है, तो और इससे बड़ा और कौन सा नाम जाप करना, हमने तो रोजे सुनिया ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो सुमरण करे ओम का तो बंदे शुद्ध आत्मा होए, ये सुने है। दूसरा ये भाई ने करे है ये नकली, इसलिए है हम मंत्रों का जाप करते हैं, वे कौन से इसे सोलिड मंत्र है, वे कहाँ लिख रखे, के प्रमाण है, कौन सा गुरु है, कौन सी आपके गुरु जी में इतनी खूबी है जो इनसे अलग क्या चीज बता रहा है, वो प्रमाणित करके बताइए, ताकि हमें भी देखा आपका आपका आपके गुरु जी का क्या ज्ञान है, क्या ताकत है, क्या कह रहे हो आप लोग। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि दोनों सवालों का जवाब एक ही दिशा में है। जी सर, बिल्कुल सर, जैसे माता जी ने कहा कि भी ओम नाम सबसे बड़ा, मैं कहना चाहूंगा कि ओम नाम नहीं सबसे बड़ा, ओम के ऊपर तत् खड़ा, तत् से भी सत महान, आओ सुन लो गीता का ज्ञान, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल खोल के बताया, जबकि गीता जी कहती है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म न त्रिविदे समर्थ, तो ब्रह्म को सुमरने का तीन मंत्र का एक, तीन नाम का एक मंत्र है जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें देते हैं, और उससे की साधना करने से ही हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है जी। हाँ सर, मैं इन भाइयों से पूछना चाहूंगा कि ये जो भक्ति करते हैं उसका उद्देश्य सुख प्राप्त करना, इसके लिए करते हैं, और हमारा उद्देश्य भी भक्ति करके सुख प्राप्त करना, जब हमें हमारी जो अभी जो हम फिलहाल भक्ति कर रहे हैं, माता जी की भक्ति कर रहे हैं, उससे जब हम हमें ये लाभ मिल रहे हैं, तो हम दूसरी तरह के मंत्र क्यों करें हम? हाँ जी सर, और दूसरी चीज ये भाई साहब देखो, इन्होंने बताया है कि जो सुख है वो कर्मों के अनुसार मिलते हैं। ठीक है, अब हम अपनी वैष्णो देवी को लगा लेते हैं जी। ठीक है, वैष्णो देवी जाते हैं, ऐसे करोड़ों आपको एग्जाम्पल दिखा देंगे जिनको बहुत सारे सुख हुए हैं, जिनको संपत्ति मिले, जिनको पुत्र मिले हैं, जिनकी जिनकी शादियां हुई हैं, ये तो आज की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पहले से चली आ रही है ना, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं ये लोग? जी बताइए। देखिए सर, ये बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, जो हमें लाभ मिल रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए आप इन्वर्टर बैटरी का यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, जब तक बैटरी चार्ज है उस बैटरी से पंखे भी चलेंगे, लाइट भी चसेगी, जब बैटरी डाउन हो जाएगी तो आपके जो लाभ है लाइट वाले वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो बैटरी तो चार्ज कर लेंगे जी, वैष्णो देवी जाते हैं ये, वही तो चार्जर नहीं मिलेगा ना, जब नकली है, नकली भक्ति विधि है, तो चार्जर कहाँ से होगा? चार्जर के लिए तो जो सही पॉइंट है, एक्यूरेट बैटरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन देती रहे, तो वो
चार्ज रहेगी बैटरी और लाभ मिलते रहेंगे। दूसरा रही ये भाई भाई ने उठाया सवाल की भी हम वैष्णो देवी जाते हैं वहां जाते हैं ये हो गया ये हो गया, तो मैं बताना चाहूंगा अगर वैष्णो देवी जाने वालों की आप देखोगे ना प्रत्येक साल ऐसी हजारों खबरें अखबार में आती हैं, अगर वहां पे जाने से माता खुश होती लाभ देती तो क्या वो वहां नहीं जा रहे थे साधक जिनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और हजारों लाखों मरते हैं। रही दूसरी बात, अभी पीछे केदारनाथ का भी आपने जिक्र सुना होगा कितने लोग त्रासदी हुई थी, बिल्कुल। तो ये जो भक्ति विधि है क्यों कहीं ना कहीं जो हमारे देवी देवता हैं वो भी इस भक्ति विधि से सही नहीं, क्योंकि ये भक्ति विधि सही है ही नहीं तो लाभ कहाँ से मिलेगा। दूसरे हमारे जो देवी देवता हैं इस भक्ति विधि से जो ये कर रहे हैं ऐसा करने से वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं जिनका फल हमें देखने को मिल रहा है न्यूज़पेपरों की खबरों। तो दर्शकों अभी ये जो सवाल शुरू में उठा था अभी यहाँ पर कंक्लूड हो जाता है क्योंकि बार 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 बातें वही रिपीट हो रही हैं। इन लोगों को कहना है कि इन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जी मैम बताइए। मैं ये पूछना चाहूँ ये बार बार ये कह रहे हैं हमारे संत रामपाल जी ने ये बताया है हमारे संत रामपाल जी ने ये बताया है, क्या सबूत है क्या प्रमाण है आपके संत रामपाल जी पे कि ये जो भक्ति बता रहे हैं यही सही है और यही सही मंत्र दे रहे हैं और ये दुर्गा से भी ऊपर मंत्र दे रहे हैं, इस चीज का इनके पास क्या सबूत है? सबूत है तो बताइए ताकि हमें भी देखा उस सबूत ने, और ये भी बताइए कि हमें फिर कुछ हो भी गा क्या मिले तो मतलब सबूत है हमें भी कुछ लाभ होगा क्या, और अन्य धर्म गुरुओं से कैसे आपके गुरु जी अलग है कैसे उसकी पहचान है कैसे हम मान ले आपके गुरु जी सत्य है। जी सर एक सवाल हो गया। जी सर जी मुझे तो इनकी बातें सभी मनगढ़ंत लग रही है क्योंकि जो सभी अपने अपने इष्ट की सभी प्रशंसा करते हैं। अभी मेरा दोस्त था 15-20 दिन पहले उसने माता वैष्णो देवी पर है ना एक वरदान मांगा था जैसे नौकरी लगने का, तो नौकरी लग गया जी। सभी अपने अपने इष्ट पे जो अपने करता है ना सभी को खुशी मिलती है और उसे लाभ मिलता है, ये तो कोई नई बात नहीं है, सभी अपने इष्ट की प्रशंसा करते हैं। हाँ जी मैम ये बता रहे हैं कि इनके गुरुजी ने भी तो हमारी तरह एक माँ से तो जन्म लिया है ना, और जबकि हमारी माँ जो देवी दुर्गा है वो तो अमर है तो वही भगवान हुई ना हमारे लिए, तो हम संत रामपाल जी महाराज को कैसे भगवान मान सकते हैं? नहीं दर्शकों सवालों की तो बहुत लंबी फहरिस्त है। जी मैम ऐसा बोलकर हमारी भावना को बहुत ठेस पहुंचा रहे। हाँ जी हमारे देवी दुर्गा में आपकी आस्था है? हाँ बहुत आस्था है, बहुत सुख मिलती है। अच्छा जी तो काफी ज्यादा सवाल हो गए एक एक करके। जी सर जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं ठीक है जी, और ये कबीर भगवान की पूजा करते हैं मतलब कबीर को भगवान मानते हैं लोग, तो कबीर तो इस धरती पे आए हैं, उन्होंने भी तो हमारी तरह से रहे हैं अपना दैनिक कार्य करा है सारी चीज जो हम नॉर्मल करते हैं वैसे हैं, तो भगवान कैसे कह सकते हैं ये लोग? पूछो ठीक है सर पूछते हैं। जी सर बताइए। हम यहाँ पे देखो जैसे कि श्री राम जी थे उन्हें हम भगवान मानते हैं, और आदरणीय श्री कृष्ण जी थे उन्हें भी भगवान मानते हैं, जबकि उनने माँ की कोख से जन्म लिया था। एक कबीर ही ऐसे महापुरुष परमात्मा आए थे जो माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, वो स्वयं शरीर पूरे प्रकट हुए थे लहर तारा तालाब के अंदर बनारस में, तो कबीर परमात्मा पूरे शरीर आए थे पूरे शरीर वापिस चले गए थे, शायद शरीर आए थे शायद शरीर वापिस चले गए थे, तो इसलिए हम पूर्ण परमात्मा कबीर को मानते हैं, माँ की कोख से जन्म नहीं लिया पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने। ठीक है। हाँ जी सर बताइए। भाई जी ने बताया कि इनका दोस्त नौकरी लग गया माता जी की पूजा करने से, मानता हूँ कि भाई क्योंकि दुर्गा में भी दुर्गा माता जी में कुछ सीमित शक्तियाँ हैं, जैसे मुख्यमंत्री में भी सीमित शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो पूरे देश का मालिक होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही जो दुर्गा देवी है वो इनको नौकरी दे सकती है, मान लो सुख भी दे सकती है जैसे इन्होंने कहा था भैया हम सुख के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति करना है, वो केवल पूर्ण परमात्मा की शरण जो उनके जो उनके द्वारा भेजा गया जो पूर्ण गुरु है उसकी शरण में जाके भक्ति करने से हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष की आपने बात की, बीच में एक सवाल यहाँ से उठा था, इन्होंने कहा कि आपका उद्देश्य भी सुख प्राप्त करना है हमारा उद्देश्य भी सुख प्राप्त करना है, तो फिर विरोधाभास का है? जी सर बिल्कुल सर, देखिए भाई ने कहा कि भी सुख प्राप्त करना, यहाँ पे हम रह रहे हैं मृतलोक में पृथ्वी लोक पे, तो यहाँ के सुख हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति देते हैं हमें, यहाँ के सुख तो उनसे हमें बिल्कुल मिलेंगे, साथ के साथ संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं उससे पूर्ण मोक्ष निश्चित है, क्योंकि जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है वो हमारे पवित्र सदग्रंथों के आधारित है, जैसा हमारे पवित्र सदग्रंथों में लिखा हुआ है
तो उनके अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बता रहे हैं, जब हम हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा पूर्ण मोक्ष निश्चित है। ठीक है, तो वापस से नवरात्रि के टॉपिक पर आ जाते हैं। काफी लंबी है बहस खींची और उम्मीद करता हूँ कि काफी कुछ कंक्लूजन अभी तक आप निकाल पाए होंगे। अगला सवाल मेरा ये है कि नवरात्रि इतना पवित्र त्यौहार है हिंदू धर्म का कि इसमें हम तामसिक भोजन तक नहीं करते हैं, प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, 9 दिन मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस बात को तो आप एक्सेप्ट करते होंगे या इसको भी आप नकारते हैं? जी सर जी, देखिए पहली बात तो कि नवरात्रि में कोई भी ये तामसिक भोजन मांस वगैरह नहीं खाते। क्या 9 दिन मांस ना खाने से आपका जो मोक्ष हो जाएगा? जैसे 9 दिन तो माँ दुर्गा करेंगे, 10वें दिन कहेंगे दे मुर्गा, तो बाकी 356 दिन भी ना खाओ ना, तब वो देवी खुश होगी। आप 9 दिन तो देवी को खुश कर लेते हो, बाकी 356 दिन उसमें क्या करोगे? उसमें मांस खाओगे और अपनी मर्जी आएगी, दारू पियोगे और ये सब करोगे। तो ये तो आपके शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा और इसके साथ साथ अन्य व्यसन आप कर रहे हो, तो आप तो दूना पाप के भागी हो रहे हो। जबकि आपको तो हर रोज एक शुद्ध जीवन जीना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की कोई बकवाद नहीं करनी चाहिए। और ये तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, सामाजिक व्यक्ति, उसको भी पता है मांस तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक अनाथ जीव को मारकर आप खा रहे हो तो आप खुद खुश कैसे हो सकते हो? जैसे बलि प्रथा चली हुई है ये, तो आप दूसरे को दुख देकर सुखी नहीं हो सकते। यदि आप ऐसे सुख चाहते हो तो आपका ये विचार गलत है। जी सर बताइए। एक सर मैं ना अभी जैसे आज की चर्चा का जो विषय है, मुख्य विषय यह है नवरात्र, तो मैं आप इन सब भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि नवरात्र व्रत की जो साधना है क्या चारों वेदों में इसका प्रमाण है इनके पास? और दूसरा ये बार बार में ये कह रहे हैं कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो मैं इन सब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप सभी ने अपने हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई धर्म ग्रंथों को खोल कर पढ़ा है? उनमें जो लिखा है, जो वो बता रहे हैं आपको, उसमें जो सार है, क्या आपने उनको पढ़ा है सार को? और ये ना बार बार में ऐसा कह रहे हैं कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी हमारी धार्मिक भावना को भटकाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी की भावना को आहत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इन विश्व कल्याण के लिए सतमार्ग संसार को बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपके जो धर्म ग्रंथ है आप उनको खोल कर पढ़ें, उनको चेक करें उसमें लिखा क्या है, जबकि आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं। और बार बार में आप ये कह रहे हैं कि ये तो ना जी प्रोपगेंडा रच रहे हैं, ये हमारे भावनाओं को भड़का रहे हैं। तो मेरा निवेदन है इन सभी से, जो भी यहाँ जो खड़े हैं, ये नहीं बल्कि पूरे भारत देश को मैं एक कहना चाह रहा हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ें, उनको चेक करें, उसके बाद आप संत रामपाल जी के विषय में टिप्पणी करें। ठीक है ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या एज आपकी? 15 ईयर्स। सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट और कठोर सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी और ये सारे श्रद्धालु सिर्फ एक प्रोपगेंडा के तहत कार्य कर रहे हैं, जिसे मैं एंटी हिंदू या एंटी सनातन कहूँ तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा ही सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है। आपके क्या विचार हैं? सर अगर प्रोपेगेंडा होता तो 10 करोड़ लोग नहीं जुटते। और यहाँ पे कई ऐसे भी है जो IIT पास है, IIT मुंबई से पास है, तो वो तो अंधविश्वास के तहत जुड़ नहीं सकते। जब मनुष्य के पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो हिंसा करे या फिर अगले को बदनाम करे कि ये प्रोपेगेंडा चला रहे। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये झूठ बोला जाता है? झूठ बोला जाता है बिल्कुल। जब मैंने आपको बताया, जब तर्क खत्म हो जाते हैं मनुष्य हिंसा पे उतर आता है और कहता है प्रोपेगेंडा रचा जाए। जी मैम। इन्होंने एजुकेशन की बात की, एजुकेटेड तो हम भी हैं, मैं खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो एजुकेशन तो इस बात का मतलब बेस नहीं बना। तो ये तो मानते नहीं है, ये भी तो पढ़ाई कर रहे हैं। ये पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर ये अभी तो ये बात करें नवरात्रों की, ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर रहे, ये क्या कर रही है, जो परंपरागत साधना चली आ रही है उसी को फॉलो कर रहे हैं। बल्कि श्रीमद देवी भागवत पुराण में रुचि ऋषि को उनके पूर्वज खुद आके कहते हैं कि तू ये व्रत वगैरह मत रख, तू ये श्राद्ध वगैरह मत निकाल, ये वेदों के खिलाफ है। और ये कहते हैं कि ये पशुओं का कार्य सिद्ध होता है, ये मनुष्य के कर्म है। ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ मैं ये कहना चाहूंगी, इस भाई ने कहा है संत रामपाल जी के 10 करोड़ शिष्य हो रहे हैं, अरे राधा स्वामी के और धर्मगुरुआ के 10 करोड़ के पता नहीं कितने करोड़ शिष्य हैं, ये कोई
बड़ी बात नहीं है। और दुर्गा की भक्ति भी करते हैं सारे, दुर्गा की भक्ति भी करते हैं। भक्ति भी वे गुरु जी किसी की भक्ति नहीं छुड़ाते, उनसे भी लाभ होगा दुर्गा की भक्ति से, बाकी देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु यानी कि श्री कृष्ण की, शिव जी की। और मंत्र भी देते हैं अपने जाप करने के? बिल्कुल देते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी का हमें खुद करते हैं भाई, हम खुद भी कर रहे हैं, ये कोई प्रमाण नहीं है। काफी कठोर चुनौती आपके लिए जी। जी जो तेरी एज है नी बेटा, तू पढ़ा लिखेगा नहीं, जब तेरा कि में कुछ ऑफिसर बनाएगा, जब कि में बेड़ा पार होगा, कुछ नहीं तेरे इन बातों में कोई आनी जानी को नहीं है। हाँ जी बताइए, क्या सफाई है आपकी? दादी आपने बात की उम्र की, वो तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, उन्होंने मनुष्य जीवन दिया जो मैं भक्ति कर पाऊंगा। कई लोग तो गर्भपात में मर जाते, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, उनको तो ये मौका मिलता ही नहीं मनुष्य जीवन का। और आप दूसरी बात कह रहे हैं कि उनके तो इतने सारे शिष्य, वो अपने मंत्र भी देते हैं, उनके सारे मंत्र नकली है, मंत्र असली एक ये जो गीता में बताया गया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ ब्राह्मण तेन वेदा चयगा वीता पूरा, यही एक सच्चा मंत्र है, बाकी सब ये काल के द्वारा प्रेरित किए हुए मंत्र है, जो कि कबीर सागर में बताया गया है कि जब प्रथम युग में कबीर साहेब जी आए थे तो काल ने कहा था कि मैं अपने तो तेरे नाम से नकली 12 पंथ चलाऊंगा, और वो तेरे ज्ञान को मानने नहीं देंगे, सबको भ्रमित करके रखेंगे। चलिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन सवाल अभी तक भी जो कहते हैं कि बहुत सारे अन्य धर्म गुरु हैं वो देवी दुर्गा की पूजा भी नहीं चढ़वाते, उनके श्रद्धालुओं की संख्या भी करोड़ों में है, संत रामपाल जी की श्रद्धालुओं की संख्या की तुलना में उनके श्रद्धालु कई गुणा है, और वो दुर्गा की भक्ति भी नहीं चढ़वाते, तो इस पे आपकी क्या सफाई है? जी जी भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज भी देवी की नहीं छुड़वाते, बल्कि देवी की सही तरीके से भक्ति करना संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और दूसरी बात तुलना, तो वो लोग नहीं बताते ये, वो मंत्र भी देते हैं सर? नहीं, किसी को अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो उसका एक कोड वर्ड होता है, जैसे हमको किसी कुत्ते को बुलाना है तो उसको कुत्ता कुत्ता करने से वो नहीं आएगा, उसका एक मूल मंत्र है तो करेगा तो ही वो आएगा। इसी प्रकार ये जो देवी देवता है ये एक मूल मंत्र से ही हमें लाभ देंगे, ये इन मंत्रों पर आकर्षित है जो कि पूर्ण गुरु द्वारा ही दिए जाते हैं। चलिए ठीक है। हाँ जी सभी सर, जो जो और धर्म गुरु हैं वो जो शास्त्रों के विरुद्ध साधन दे रहे हैं उनकी जो भक्ति का कोई प्रमाण नहीं है, जैसे गुरु नानक जी का वो जो है देते हैं प्रमाण देते हैं राधा स्वामी माया जो है, तो गुरु नानक जी ने जो भक्ति दी वो मंत्र तो वो दे ही नहीं रहे हैं। असली जो मंत्र है जो गुरु नानक जी ने भक्ति की थी वो जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, उनकी जन्म साक्षी में लिखे हुए हैं वो मंत्र जो है, तो जो धर्म गुरु हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो अपनी मनमानी पूजा मनवाने मंत्र दे रहे हैं सर, इसीलिए जो है उनके जो ये सवाल कई देर से उठ रहा है, मैं यहाँ से इसका जवाब लेता हूँ। सर आप मुझे एक बात बताइए, इधर आ जाइए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कहीं भी पुराणों के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि देवी दुर्गा की हमें पूजा करनी चाहिए या उनके मंदिरों में जाना चाहिए, इस बारे में कहीं भी पुराणों में कुछ लिखा हुआ हो तो बताइए। ये हर बात पे ये कहते हैं जी, गीता वेद पुराण सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को आगे रखते हैं, तो इन्होंने ये भी जरूर पढ़ा हुआ जो श्री देवी पुराण के 6 स्कंद में लिखा है, जो सतयुग के ब्राह्मण थे वो वेदों के विद्वान थे और देवी दुर्गा जी की अनन्य भक्ति में लीन थे और दुर्गा देवी जी का मंदिर बनवाना चाहते थे, ठीक है। तो ये तो जो आप फैक्ट दे रहे हो उनमें लिख रखा है, ये बातें तो उन्हीं में लिख रखी जो आप तर्क दे रहे हो। जी सर, तो बताइए इसका जवाब। जी सर देखिए, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप उस प्रकरण को पूरा पढ़िए, उसमें आगे लिखा हुआ है कि जो सतयुग में जिनको राक्षस कहा जाता था कलयुग में उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि आज कलयुग के ब्राह्मण पराय तक पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। और उसके बाद अगर आप आगे और पढ़ेंगे तो 5वें अध्याय 7वें स्कंद 562 पृष्ठ में देवी खुद कह रही है भी आप ब्रह्म की भक्ति करो, हिमालय राजा को कह रही है कि आप ब्रह्म की भक्ति करो। जब देवी ने ये कह दिया तो देवी ने कह दिया कि आप मेरी भक्ति मत करो, तो आप क्यों कर रहे हो? फिर से मेरा यही सवाल है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा सवाल है और कई बार ये उठ भी चुका है, जवाब भी कई बार आ चुका है। इन्होंने जैसे कि बताया शास्त्रों के बारे में ज्यादा जानकारी ना देते हुए इन्होंने सिर्फ अपनी परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराओं को ही आगे रखा। जी बताइए। जैसे ये भाई व्रतों को भी मना करते हैं, माता की भक्ति को भी मना करते हैं, जैसे मैंने 16 शुक्रवार के व्रत रखे थे संतोषी माता के, 16वां व्रत आया तो उस टाइम उसका अध्यापन करना हुआ है, और संतोषी माता पूरा फायदा देव है, उसकी कथा करिया कर कथा उसकी जिस तरह ने है किसी और का पति कड़िया बाहर चला गया काम वैसे, और फिर वो अपने घर की पत्नी की याद भूल गया, तो किसी मतलब ब्राह्मण गुरु ने ये बताया कि तू 16 शुक्रवार के व्रत कर दे तेरा पति घर आ जाएगा,
और जो हम जैसे और भी करते हैं उनको लाभ होता है। जैसे हम स्टूडेंट टाइम में किए थे वर्क तो पास हो अच्छे मार्क्स आते थे, तो इसलिए लाभ तो मिलता है वर्क से। तो सवाल ये है कि 16 शुक्रवार के वर्क करने से जो है कथा है कैसे कि उनका पति वापस आ गया था, इसका जवाब कैसे दोगे सर? ये तो करना अच्छा है फिर। देखिए जैसे कि आज के समय में जो हालात सभी परिवारों में हो चुके हैं कि घर घर में नशा किया जा रहा है, घर घर में जो प्रत्येक जो व्यक्ति नशा कर रहा है, उस समय जो वो व्रत किया गया था वो इसलिए किया गया था कि उसका पति घर पे आ जाए। लेकिन आज के समय में स्थिति बिल्कुल विपरीत है, पति घर पे आता है और पत्नी को पीटता है। तो आपका ये व्रत करने का फायदा हो क्या हुआ? आपको तो ये व्रत करना ही नहीं चाहिए, ताकि दो तीन दिन ना आए तो आपको पीटे ना, तो इस व्रत का फायदा क्या हुआ? और शास्त्रों में मना कर रखा, गीता जी का उदाहरण में हमने आपको पहले ही दे दिया, तो जब गीता जी में मना कर दिया तो वैसे ही वो व्यर्थ है। ठीक है सर। तो गीता जी मैं ये कहना चाहूंगी, इन सारे भाइयों ने बताया, इस भाई ने भी जैसे ऋग्वेद में बताया है कि वो कबीर बम्बारी ऐसी गंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी जो भी इसने बताया है, मेरे याद को नहीं भाई कि मैं समझते को नहीं, हमें तो वेदान है इतना पढ़ लिख दे। तो ये अपने गुरुजी को नहीं भाई, हमारे गुरुजी ने बताया है, इनके गुरुजी का वो प्रमाण ये बताओ कि इनके गुरुजी जो बता रहे हैं वो सच है, ताकि हम उसको भी टटोला हुए कहाँ किस स्थान पर मतलब सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा बता रहे हैं, उनका शिष्य बनने से हमें लाभ होगा वास्तव में, वो प्रमाण दो इनके गुरुजी पूर्ण गुरुजी कैसे हैं। संत रामपाल जी पूर्ण गुरु कैसे हैं? साफ सिंपल सवाल ये है कि देवी दुर्गा की पूजा क्यों न की जाए और संत रामपाल जी की पूजा क्यों की जाए? जी सर। देखिए मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी, आज तक जितने भी संत महात्मा हुए, मेरे पूज्य गुरुदेव जी यथार्थ कबीर सागर, कबीर परमात्मा का यथार्थ ज्ञान संसार को दे रहे, कबीर परमात्मा के ज्ञान को आज तक किसी भी संत ने नकारा नहीं है। जितने भी संत महात्मा पार हुए हैं वो कबीर सागर का प्रमाण देते हैं कि कबीर परमात्मा ने जो भक्ति बताई वो यथार्थ है। तो परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान, प्रमाणित मंत्र, प्रमाणित भक्ति विधि सभी को बताते हैं, अन्य धर्म गुरु ऐसा नहीं बताते। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले ये सभी साधनाएं मैं करता था, लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया हूँ मुझे वास्तविक भक्ति का पता लगा है और मेरा जीवन वास्तव में बदल गया है। मतलब वो पूर्ण संत हैं? जी वो वास्तव में पूर्ण संत हैं, ये प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। पूर्ण संत का यही लक्षण होता है कि वो प्रमाणित ज्ञान बताएगा। जी सर। सर जी यजुर्वेद में बताया हुआ है कि जो पूर्ण संत होता है वो तीन समय की जो है आरती बताता है, तीन समय की पूजा बताता है, सुबह की, प्रातःकाल की, दोपहर की और शाम की। दोपहर को जो देवताओं की भक्ति साधना बताता है और शाम को उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताता है। तो ये वेदों में भी प्रमाण है कि जो असली संत होगा वो तीन समय की भक्ति बताएगा, और जो अधूरा जो वाक्य है, जो अधूरा ज्ञान है, जैसे वेदों के जो श्लोक हैं जो अधूरे हैं उनको वो पूरा करके बताता है। ठीक है। तो ये वो पूर्ण संत हैं। हाँ जी सर। हाँ सर। कबीर सागर में भी प्रमाण है, सतगुरु के लक्षण बताए गए हैं। सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे बैन विनोद, चार वेद सत शास्त्र कहे 18 बोध। आज तक जितने भी धर्मगुरु हैं आपने देखे होंगे वो किसी एक विशेष सदग्रंथ को खोल के बैठ जाते हैं, अन्य किसी भी सदग्रंथ को खोल के नहीं दिखाते हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें पवित्र चारों धर्मों के सदग्रंथ खोल के दिखाए, चाहे वो पवित्र बाइबल हो, चाहे पवित्र कुरान शरीफ हो, या फिर हमारे हिंदू धर्म के पवित्र सनातनी जो सदग्रंथ है वेद हैं और गीता जी हैं, या फिर पवित्र सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है, उन सभी से प्रमाण लेके संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें खोल के बताया है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी पुराण वेद गीता जी खोल के बताया है, तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ही आज के समय में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। जी मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल बचा हुआ है। पूछिए। मैंने इनके सभी के इतने अच्छे तर्क सुने, इन्होंने तर्क बताए अपने, हम दुर्गा माता के जो श्रद्धालु हैं वैष्णो देवी जाते हैं, नैना देवी जाते हैं, ज्वाला जी पर जाते हैं, इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ के हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ का माहौल देखो कितना भक्तिमय वहाँ का माहौल होता है, क्या उससे भी हमें कोई लाभ नहीं होता है? जी सर।
मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये जो आपने मंदिरों के नाम दिए वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, नैना देवी, अमरनाथ आदि, ये जो मंदिर है, क्या आपको इनका इतिहास पता है कि ये कैसे बने हैं? पता है सर जी, बिल्कुल, ये आज से नहीं बने हुए हैं। आप जो बता रहे हो कबीर साहब का ज्ञान, वो तो सिर्फ 600 वर्ष पहले आए हैं। ये तो आज जब से सृष्टि बनी है, ये मंदिर तो तब से विराजमान है और इनकी पूजा तब से होती आ रही है। हाँ जी, जैसा कि इन्होंने बताया पूजा होती आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा इन मंदिरों के बारे में। जैसे ये जो वैष्णो देवी मंदिर है, ज्वाला देवी मंदिर है, जब शिव जी का जब पार्वती जी सती हो गई थी उस आग में, उसके बाद उनका जो कंकाल बचा था उसको विष्णु जी ने अपने जो सुदर्शन से तोड़ा था, तो जहाँ पर धरती पर जहाँ पर जीव पड़ी वहाँ पर ज्वाला देवी बनाया गया मंदिर, जहाँ पर धड़ पड़ी वहाँ पर वैष्णो देवी बनाया गया, और जहाँ पे नैन पड़े वहाँ नैना देवी बनाया गया। ठीक है, तो ये सिर्फ यादगार मात्र थी कि आगे आने वाले समय में कोई इसको नकार ना दे कि भाई ये चीजें नहीं हुई, इसलिए इतिहास मात्र थे, भाई यादगार थी सिर्फ। यहाँ पे पूजा करने में कोई फायदा नहीं है वहां पे जाने में। जैसे अमरनाथ धाम है, अमरनाथ धाम पर क्या हुआ था कि शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी पूरी, जिससे पार्वती इतनी अमर हो गई कि जब तक शिव जी जीवित रहेंगे तब तक पार्वती जीवित रहेगी। ठीक है, तो वहां पर अब जाने से कोई लाभ नहीं है, वो अमर मंत्र जो शिव जी ने पार्वती को दिया वो हमें पूर्ण गुरु से मिलेगा, तभी हमें लाभ होगा। चाहे कहीं पर रोड के किनारे भी अगर वो मंत्र मिल गया ना, तो हमारे लिए वो अमरनाथ धाम है, वो मंत्र जरूरी है, वो जगह जरूरी नहीं है, मंत्र जरूरी है। जो शिव जी ने पार्वती को दिया वो मंत्र जो पूर्ण गुरु देगा वो जरूरी है। सर ये इतनी सारी जानकारी आप लाते कहाँ से? सत्संगों में संत रामपाल जी इतने सब कुछ बता देते हैं। जी, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का ये आध्यात्मिक ज्ञान है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना अनमोल ज्ञान उन्होंने हमें दिया और हमें इतना ज्ञान करा दिया कि हम किसी से भी ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं इसके लिए। जैसे कि दादाजी कह रहे थे कि कबीर जी तो 600 वर्ष पहले आए थे, कबीर सागर में प्रमाण है कि कबीर जी चारों युगों में आते, यजुर्वेद में प्रमाण है कि सतयुग में सतसुगरत कहते रह, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में काया, कलयुग नाम कबीर दो। तो कबीर जी चारों युगों में आते, ये दादाजी की ये बात गलत हुई कि कबीर जी तो सिर्फ 600 वर्ष पहले आए थे। ये देखना भी काफी सुखदाई है अपने आप में कि इस उम्र वर्ग के बच्चे भी शास्त्रों में रुचि ले रहे हैं, अध्यात्म में रुचि ले रहे हैं। देखने में आता है कि इस उम्र वर्ग के बच्चे आजकल इंस्टाग्राम पर ज्यादा देखने को मिलते हैं और ये इस तरह के सत्संग प्रवचनों में रुचि ले रहे हैं, तो भारत का भविष्य काफी उज्जवल है, देखने में ऐसा ही लग रहा है। तो इस पूरी डिबेट को यहाँ पर खत्म करते हुए मैं लास्ट में दो सवाल लेता हूँ। सर आप मुझे ये बताइए कि पूरी डिबेट का क्या सार आप देखते हैं, क्या निष्कर्ष है, कंक्लूजन जो दर्शकों को निर्णय करने में सहायक हो, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एसए न्यूज की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इस जो एक सामाजिक एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को ये लेकर हम सब के बीच में आए, और जहाँ तक इतनी देर से हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का जो तर्क हमने सुने, हम काफ़ी उससे प्रभावित हुए, क्योंकि वो पूरे सारांश के साथ, पूरे रिफ्रेंस के साथ हमें ये चीज़ें बता रही हैं, और अगर इनके पास वो ऐसा प्रमाण के कुछ साक्ष्य हैं तो हमारे को जरूर दें, और ये साक्ष्य पढ़ने के बाद हम मिलान करेंगे। अगर वो सही साबित होते हैं तो हम वो कौन सी पुस्तक है वो उसे पढ़ना चाहते हैं, निवेदन करना चाहेंगे कि वो इस अपने हमारे जो धर्म ग्रंथ है उन साक्ष्यों को मिलान करें। अगर वो सही हैं तो हम अपनी भक्ति छोड़ के इनकी भक्ति को स्वीकार कर ले। सच्चाई को स्वीकार करना कोई बुराई की नहीं है। जी सर, बिल्कुल जैसा भाई ने कहा कि भी कोई बुक हमें दो। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा आजकल जिसका सोशल मीडिया पे भी तहलका मचा हुआ है, हर दूसरी तीसरी पोस्ट आपको देखने को मिलती होगी ज्ञान गंगा से रिलेटेड मिलेगी। तो वो पुस्तक, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें सभी साक्ष्य हैं, सभी प्रमाण दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है, वो मैं भाई को देना चाहूँगा। वो इस पुस्तक को पढ़ें जी, बिल्कुल, और अपना जो जीवन है वो सफल बनाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो ये पुस्तकें सभी को दर्शकों की जो है, देखिए ये पुस्तकें यहाँ पर
सभी की सुविधा के लिए। मैं भी ये पुस्तक यहाँ पर लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि कई दिनों से मैं ये डिबेट इंटरव्यू देख रहा हूँ और ले भी रहा हूँ, तो देखने में आता है कि तर्क सहित प्रमाणों के साथ ये लोग बातें करते हैं, तो क्यों ना एक बार इस पुस्तक को पढ़ा जाए, देखा जाए कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। तो एक पुस्तक मैं भी देखना चाहूंगा। तो दर्शकों, इस पूरी डिबेट का सार आप आराम से निकाल सकते हैं, बैठ करके सोच सकते हैं, और ये पुस्तक भी आपकी वाकई काफी अच्छे तरीके से मदद करेगी। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवा सकते हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा। अभी जी सर, इसको अगर मंगवाना चाहे तो क्या कुछ प्रोसेस है? बिल्कुल सर, इसको सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलेगा, या संत रामपाल जी महाराज जी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जगतगुरु www.jagatguru.rampal.org करके, तो उस पे जाओगे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनमोल पुस्तक है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे बिल्कुल होम डिलीवरी की जाएगी। दूसरा, आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल ओपन करके वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के पर मंगल प्रवचन सुन सकते हैं, तथा अपने जो चाहे वो किसी भी लेवल के आध्यात्मिकता के कोई भी सवाल क्वेश्चन मार्क है, उन सभी के क्वेश्चन मार्क आप हटा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। दर्शकों ने भी इस पूरी वीडियो से काफी कुछ कंक्लूजन निकाला होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कोई ऐसा सवाल है जो देखने के बाद आपके मन में आया है या पहले से था जिसे हम कवर नहीं कर पाए हैं, उस सवाल को आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। अगली बार जब भी इन लोगों से रब्ता होगा तो आपके उन सवालों के जवाब जरूर लिए जाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरे कैमरा सहयोगी सोमवीर के साथ मैं अंकित, ऐसे न्यूज़।